पांडे जी हमारे हर कार्यक्रम में आती हैं, आपका बहुत अच्छा है। दीपक पांडे जी भी बता रहे हैं, दीपक जी कहाँ बैठे? अच्छा दीपक जी स्वागत है। दीपक जी कई शॉर्ट फिल्में, टेली फिल्में, कई फिल्में, कई सीरियल, बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं। दीपक जी आपका स्वागत है। और सबसे पीछे बैठे हुए हैं राजीव जयश्री जी। राजीव जी बहुत अच्छे अभिनेता हैं, कई बड़े बैनर की फिल्मों में काम किया है और अभी आमिर खान की अपकमिंग फिल्म में काम कर रहे हैं। राजीव जी स्वागत है। राजीव जी हमारे हर कार्यक्रम में आते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो राजस्थान है, अगर आप हिंदुस्तान के नक्शे में देखिए तो उसकी जैसी जगह है जैसे आदमी के शरीर में दिल की होती है। तो मोहब्बत में जब राजस्थान की तरह दिल जलता है तो आंखें बरस कर नैनीताल की तरह ठंडी हो जाती है। एक कंट्रास्ट है मोहब्बत का। तो हमारे शहर के एक बहुत बड़े शायर सुलभान गुप्त ने दोहा लिखा कि क्या बतलाएं क्या लिखें तुमको अपना हाल, क्या बतलाएं क्या लिखें तुमको अपना हाल, दिल तो राजस्थान है आंखें नैनीताल। ये स्टाइल है कहने की। तो उसी राजस्थान की सरजमीन से ताल्लुक रखती हैं गीतकार, लेखिका, कवित्री पूजा श्री जी। और इनकी एक बड़ी होनहार बेटी है। एक मोहरा फिल्म आई थी जब इंदिवर जी ने एक गीत लिखा कि ना कजरे की धार ना कोई दिया सिंगार, फिर भी कितनी सुंदर हो। तो ये इंडस्ट्री में ढूंढा जाने लगा कि कौन सी ऐसी सुंदर लड़की जिसपे फिल्माया जाए तो वो गाने को साकार कर दे, लगे कि सचमुच उसी के लिए लिखा गया है। तो पूजा श्री जी की होनहार सुपुत्री पूनम झौर पे वो गीत फिल्माया गया और सचमुच लोगों ने बहुत पसंद किया। आज तक भी वो दिखाया और बसता जा रहा है गाना। तो पूनम झौर जी से हमने निवेदन किया कि बस सड़क के इस पार इंद्रलोक बंगलो है, तो हमने कहा कि भाई आप लोग रहते हैं तो आप अपनी प्रिय माता जी को, मम्मी को आप गुजारिश कीजिए कि लोखंड वाला कविता क्लब तक आए। तो आदरणीय पूजा श्री ने हमारा ये निवेदन स्वीकार कर लिया, तो हम इसके लिए उनके प्रति आभार भी प्रकट करते हैं और उनसे हम प्रार्थना करेंगे पूजा जी से कि आप कुछ रचनाएं सुनाएं, उसके बाद फिर हम लोकार्पण का करेंगे, भाषण का करेंगे। आइए स्वागत है। केशव जी देवमणि, बहुत देवमणि और हम बहुत प्रोग्रामों पहले शुरू में साथ रहे हैं, तब मैं बहुत लिखती थी वैसी की रचनाएं जो आज बच्चियों ने पढ़ी है, वो शुरुआत था मेरा और मैं कहती रहती थी। तो आज आभार में आप सबका आभार जी, थैंक यू, थैंक यू शुक्रिया। अभी अभी आभा जी ने कहा कि स्त्री हो मिट्टी हो जाओ नहीं तो घर से बाहर निकलो। तो अभी तक मौसम बदले नहीं है, ये मैं आपसे कहना चाहती हूँ। मधुर रचनाएं, प्रेम गीत हमने बहुत लिखे, बहुत गाए, बहुत सारे बड़े हमारे गाने वाले साथ में थे, बहुत बड़े कवि थे, कवित्रियाँ थी। लेकिन मैं थोड़ा वातावरण बदल रही हूँ कि मौसम यदि बदल जाते तो कलियाँ खिल जाती, मौसम यदि बदल जाते तो कलियाँ खिल जाती, हर रूह में खुशबू भर जाती। क्या बात है, वाह। किंतु क्या हुआ, मिट्टी हो घर से बाहर निकलो। तो आज तक आपने क्या किया, नारी को तो मनुष्य ही नहीं समझा, तो मौसम कैसे बदलेंगे? मौसम तो हमको बदलने हैं और बदलने ही पड़ेंगे हमको मौसम। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि जब मन से जानी जाएगी तब मानुषी कहलाएगी, जब मन से जानी जाएगी तब मानुषी कहलाएगी। नारी जीवन का शुभ संचार, निज मन पर निज का अधिकार। अभी हमारे मन पे हमारा अधिकार नहीं है, ठीक है सबके लिए, हमारे हमें अपना मन छोड़ के उनके लिए भागना पड़ता है, अच्छी बात। लेकिन कभी कभी लगता है कि नारी जीवन का शुभ संचार, निज मन पर निज का अधिकार, समानता हो इसका आधार, नर सहज करे ये स्वीकार। नर सहज करे ये स्वीकार, परिवर्तन की चेतनता रिश्तों में समता लाएगी, जब मन से जानी जाएगी तब मानुषी कहलाएगी। फिर केवल सेवा संसार न हो, केवल सेवा संसार न हो, देह रूप ही आधार न हो, सौंदर्य ही अभिसार न हो, एक तरफा ही उद्गार न हो, नर नारी आकांक्षाएं अर्धनारीश्वर हो जाएगी, तब मन से जानी जाएगी, तब मानुषी कहलाएगी। वाह,
मैं बहुत चाहती तो मौसम पे बहुत कुछ कह सकती थी, लेकिन दिल कह रहा कि मैं सच्चाई हूँ, सत्य का हूँ। धोती मुझे जी, मेरी बेबी मुझे धोती करती है, वही सरस्वती है। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि अभी जो वातावरण है जी, हम उस महाभारत से निकले, आज तक वही खड़े हैं, वही कुरुक्षेत्र है, वही महाभारत है। अभी एक नेता कह रहा था राबड़ी देवी को, भाभी जी हो घर में जाकर बैठो घूंघट ओढ़ के। अभी मैं सुन क्या, और बार बार मायावती जी को बार बार गेस्ट हाउस कांड याद दिलाया जा रहा है। मतलब आप तो देह पर ही चलते हैं, केवल देह के ऊपर ही आपको बात करनी, ये मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तो मुझे लगता है कि महाभारत कुरुक्षेत्र कभी मिटा ही नहीं, लगातार चल रहा है। इसी तरह गीत है, देखिए छोटा सा जी, स्वागत है। स्नेह सुदर्शन स्नेह, हम स्नेह के खिलाफ नहीं, हम तो स्नेह है। स्नेह सुदर्शन पीड़ा अर्जुन, मति पांचाली वक्त दुशासन। स्नेह सुदर्शन पीड़ा अर्जुन, मति पांचाली वक्त दुशासन। स्नेह सुदर्शन तो दर्द की अलके बिखर चुकी है, दर्द की अलके बिखर चुकी है। धीरज वेणी कैसे बांधूं, दर्द की अलके बिखर चुकी है। धीरज वेणी कैसे बांधूं, और भीम भाव का, भीम भाव का सहमा सहमा, सत्य युधिष्ठिर कैसे धारूं। धुंधले आनन मति पांचाली वक्त दुशासन। अंतिम छंद बात है, अंतिम छंद पहले भी थे आज भी। षडयंत्रों के अभिषेक है, षडयंत्रों के अभिषेक है, शतरंजी चाले हैं शासन। षडयंत्रों के अभिषेक है, शतरंजी चाले हैं शासन। और शकुनी ही अपशकुनी निकले, शकुनी ही अपशकुनी निकले, मृग तृष्णा का है अनुशासन। मृग तृष्णा अनुशासन। और छलबल ही रहता सिंहासन, छलबल ही होता सिंहासन, मति पांचाली वक्त दुशासन। प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube app and never miss another update.